One eternity later. Hey guys, welcome back to my channel. I want to tell you that I am super excited for this video because this video is going for fashion hacks video. Yeah. So मैंने off screen काफी ज़्यादा fashion hack करे हैं but on screen नहीं करे, कोई भी उसमें video नहीं बनाई. So ये video मेरी पहली video fashion hack के ऊपर. So इसलिए मैं इस video को लेके बहुत ज़्यादा excited हूँ और बहुत ज़्यादा special है video मेरे लिए. And अब आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए? तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए इसलिए क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे टिप्स, एक जो आपको डेली काम आने वाले हैं और दूसरा आपको पता चलेगा कि आप कैसे अपने यू नो क्लोथ्स वगैरह को स्टाइल कर सकते हो. सो आई नो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है एंड आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है. इसको देखते ही ना लाइक कर दोगे एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट. सो ज्यादा बातचीत ना करते हम करते इस वीडियो को स्टार्ट. लेके उससे पहले आपको करना है, हाँ सही जा रहे हो, उससे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और उसके साइड में है बेल आइकन, उसको भी कर देना प्रेस. सो या स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को. सो पहले हैक में आपको चाहिए टी शर्ट ले सकते हो, कोई क्रॉप टी शर्ट भी ले सकते हो. क्रॉप इन द सेंस ज्यादा क्रॉप नहीं होनी चाहिए, इतनी लेंथ की चलेगी, मेरी वाली इतनी लेंथ की है, ठीक है. तो पहले हैक के लिए हमें चाहिए एक बैंगल और एक रबर बैंड जो प्लास्टिक का पतला वाला होता है वो वाला. ओके सो ये वाला जो मैंने हैक था पिंटरेस्ट पे देखा था, मुझे बहुत ज्यादा क्विक और इजी लगा था. सो आई वाज लाइक ओके लेट मी शेयर दिस. सो इस बैंगल को आपको रखना है यहाँ पर एंड इसको ऐसे कर देना है और इस रबर बैंड से आपको इसको सिक्योर कर देना है. सिक्योर करने के बाद अब इसको मैं अंदर टक कर दूंगी ऐसे. लुक एट दिस, कितना प्यारा कितना इजी हैक है ये. अब अगर आपकी टी शर्ट जो यहाँ से लूज है तो आप इसको डाउन शोल्डर भी कर सकते हो. ऑल दो ये ऐसा बहुत ज्यादा सिंपल और काफी अच्छा हैक लगा मुझे. तो या हियर वी गो. देखो बिल्कुल भी आपका साइड से भी जो रबर बैंड है वो नहीं दिखेगा, ऐसे रहेगा. और आप इसके अंदर बैंगल्स और भी एड कर सकते हो बट मुझे एक ही कूल लग रहा है. सो या सो अब नेक्स्ट हैक में क्या करना है, हमें कोई भी टॉप लेना है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल हो. अब इसमें से हमें एक हाथ निकाल लेना है, हमें इसको वन साइड डाउन शोल्डर टॉप बनाएंगे, ठीक है. ऐसे करने के बाद ही बहुत ज्यादा सिंपल और इजी है. इसको हमें ये जो साइड है इसको हमें अंदर डाल देना है ऐसे. सो या हियर वी गो. ये बहुत ज्यादा सिंपल और इजी है. लाइक एक साइड डाउन शोल्डर, अगर आप रील्स वगैरह शूट कर रहे हो, शॉर्ट वीडियो शूट कर रहे हो तो आप उसके लिए तो ये ट्राई कर ही सकते हो. तो अब हमें चाहिए दुपट्टा, अब हम इसका बनाएंगे टॉप. ओके सो अब ये जो सारे हैक्स हैं ना, मैंने कुछ पिंटरेस्ट पे देखे हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे देखे हैं. सो ऐसे ऐसे करके अब हम इसे जॉइंट कर देंगे दोनों ऐसे कॉर्नर से, ऐसे करके कुछ स्ट्रेट हो जाएगा. उसके बाद क्या करना है, एक से बांध लेनी है इसको, ले जाना है पीछे. तो अभी दो साइड में डिवाइड हो रहा है, इधर एक इधर. उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी इस वाली साइड को हमें ले जाना है इस साइड ऐसे और इसको ऐसे. अभी ये रेडी नहीं हुआ, ठीक है. सो इस साइड को हमें ऐसे टाइट करके हमें यहाँ पे नॉट बांध लेनी है. ठीक है ऐसे. अब सेम यहां पर नॉट बांध लेंगे. पता नहीं क्या बन रहा है बट बन रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है. अब इसकी जो बैक साइड है हम यहाँ पर नॉट बांध लेंगे. सो अब देख लेते हैं इसका फाइनल लुक क्या आता है.
सो ऐसा कुछ हमारे लिए टॉप रेडी हो चुका है, आप इसको बीच वगैरह पे भी पहन के जा सकते हो। एंड जस्ट लुक एट दिस, आई नीड बैचलर्स टॉपर। हमारा नेक्स्ट हैक, अब ये वाला हैक मुझसे मुश्किल से हुआ था, पता नहीं, इसमें आपको ना साइड से ऐसे लेना है, उसके बाद आपको कर देना है इन्हें नॉट। अब नॉट जो डायरेक्शन जाएगी, चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है, हुआ नहीं है, दोबारा ट्राई करते हैं, पता नहीं कितनी बार ट्राई कर रही हूँ, हो जाए, होप सो। अब दोनों साइड से नॉट लिख पा रहे थे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, उसके बाद इसको लेके जाना है, नॉट बांधनी है अपवर्ड डायरेक्शन में, जितनी टाइट हो सके उतनी टाइट, ठीक है। उसके बाद बहुत आराम से प्यार से इसको इधर डालना है और इसको हमें करना है इधर, फाइनली हो गया। तो यहाँ फाइनली हो गया, सेवेंथ अटेम्प्ट के बाद हो ही गया। ऐसे करना है, इतना से जो एरिया है थोड़ा सा आपको बहुत टाइप का दिखेगा, अगर आप चाहो इसे डाउन शोल्डर भी कर सकते हो एक साइड से। हियर वी गो, सो अब आपको इस हैक में क्या करना है, आपको चाहिए कोई भी टॉप, उससे मिलती जुलती स्टॉल साथ में, इसकी हम बनाएंगे स्लीव स्टॉल की, ठीक है। और मेक श्योर आपका जो टॉप हो वो कट स्लीव्स हो, और अगर हाई नेक हो सकता है तो वो भी हो, तो उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है, ठीक है। तो हम इसको ट्राई करेंगे, इसको हम डालेंगे यहाँ से अंदर, ठीक है, सेम यहाँ से, मेक श्योर नीचे से इक्वल होना चाहिए ऐसे, ठीक है। अब साइड से इसको हमें ऐसे स्लीव्स की तरह अपने पूरे आर्म्स को से कवर कर दें, ठीक है। हमें इसको अच्छे से कवर करने के बाद यहां से लगा लेनी है नॉट, ठीक है। अब ऐसे ही सेम इसके साथ करना है, यहां पर हमें लगा लेनी है नॉट, इसको नॉट के बाद यहाँ पर हमें अपने हाथ डाल दें। सो हियर वी गो, लुक एट द स्लीव्स, जस्ट लुक एट द स्लीव्स। अब आपका जो टॉप है पीछे भी हाई नेक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जैसे आपको ये स्टॉल दिख सकती है, ठीक है। बाकी वी डिड इट, नेक्स्ट हैक के लिए चाहिए हमें एक प्लाजो, कोई भी लूज सा। और अब क्या करना है, हम बनाएंगे प्लाजो की ड्रेस। सो हमारे नेक्स्ट हैक के लिए चाहिए हमें प्लाजो, अब इसकी जो एक साइड है इसके अंदर हमें अपनी दोनों लेग्स डालनी है, बनने वाली है प्लाजो की ड्रेस, अमेजिंग, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद हमें इस चीज को, जो वाली साइड है लेग की, हमें इस वाली चीज को यहाँ फ्रंट में लाना है। सो हम क्या करेंगे, ठीक है, सो ये आगे मेरी फ्रंट साइड पे इसको ऐसे ऊपर कर लेना है, और ये वाली जो साइड थी, ठीक है, इसको हमने ऐसे 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 करके नेक के अंदर डालना है। सो ये हमारा नेक का डिजाइन तैयार हो चुका है, और बैक से ये ऐसा लग रहा है कुछ। सो ये हमारी प्लाजो से ड्रेस जो है वो रेडी हो चुकी है, अब इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। इसके बाद अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा इजी है करने के लिए, आप कोई भी कलर का प्लाजो ले सकते हो, या नेक स्टाइल बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। ऐसी ड्रेसेस भी आती है जिनका नेक ऐसे होता है, बैक से भी आप देख सकते हो। स्पेशली समर्स में समर्स में पहनते हैं, ठंड में पहन सकते हैं। So, yeah. So, guys, अगर आप भी मेरी तरह टी शर्ट लवर हो, यू नो समर्स में सिर्फ टी शर्ट्स पहनना पसंद करते हो, यू नो नो सच काइंड ऑफ फैंसी टॉप्स एंड ऑल दैट, सो ये रही लूज टी शर्ट जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब
इसके साथ मैं करने वाली हूँ हैक। क्या हुआ, अब आपको कोई भी लूज टी शर्ट ले लेनी है, उसके को ऐसे पहले बराबर देख लेना है, ठीक है। अब आपको लेना है रबर बैंड और इसको आपको कर लेना है ऐसे, और यहाँ पे रबर बैंड लगा देना है, देखो ऐसे, ठीक है। फ्रंट साइड हो गई, अब ऐसा ही सेम आपको यहाँ पे करना है, किस किस को पसंद है शिनचैन, मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। सो अब दोनों साइड हो चुका है खचिक खचिक, अब हम इसको डाल देंगे अंदर, इसको भी, लुक हाउ कूल इट इज, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा अच्छी है, लुक एट दिस। सो अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट हैक की तरफ। के लिए चाहिए हमें कोई भी टी शर्ट ले सकते हो या फिर शर्ट भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसी नॉटेड शर्ट है, सो अब और डैंगल चाहिए। अब मैं ये करूँगी, इसको इसके अंदर डाला, यहाँ से ये लिया और इसको डाल दिया, अब हमें इसको कर लेना है ऐसे टाइट, बिल्कुल ठीक है। इसको टाइट करने के बाद हमें इसको डाल देंगे इसे पीछे की साइड, और सेम ऐसे इसके साथ। सो ये बहुत ज़्यादा क्विक और इजी है। अगर आपको यू नो समर्स में शर्ट्स टी शर्ट्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप पहले हैक यूज करके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में उसको पहन सकते हो, और ये बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है, बहुत क्विक और बहुत इजी है ये। और अब आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा हैक लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो या गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, होपफुल आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई पसंद हो कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर कोई हैक और वीडियो देखना चाहते हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। सो या हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।